हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क प्री 2020 का जो एक सीरीज शुरू की हुई है, आज एक वांट का उसका डे 22 सेशन में आगे बढ़े उससे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो एस्पिरेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी कोई नए वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड सेकेंड, जो वीडियो आपको अच्छा लगे एटलीस्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें भी उसे मोटिवेशन मिले। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या डायरेक्शंस में फाइंड आउट द वैल्यू क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए 75 का स्क्वायर है, यहाँ 30 का स्क्वायर है, तो आप इसको वैसे 75 का स्क्वायर जो है वो 75 का स्क्वायर भी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। 7 को उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 7 × 8 = 56 और 25 आगे लगा दें तो 5625, तो ये भी आसानी है। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी भी कर सकते हैं, बट ये आई थिंक ये ज़्यादा आसान है, तो यही कीजिए 5625 और माइनस 30 का स्क्वायर 900 और माइनस 16 का क्यूब। तो 16 का क्यूब अगर आपको ध्यान है तो बहुत बढ़िया, 20 तक के क्यूब याद करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो 16 का स्क्वायर जरूर आपको याद होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर में देखो 16 × 16 = 256 × 16, ये 16 का क्यूब हो गया = क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब जितना जल्दी इन क्वेश्चन ये आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे वही आपकी जीत है। 5625 में से अगर मैं 900 घटाऊं तो 4725, राइट माइनस, अब इसको 250 + 6 मानिए, 256 को 250 + 6 ओरल मानिए और इसको कीजिए 16 से, तो 250 क्या है 1000/4, तो अगर मैं 16/4 कर लूं 4 तो उसको 1000 से कर दूं एक ही बात है, तो ये मेरा आ गया 4000 और माइनस 16 × 6 = 96 और माइनस से 4 और = x², तो 96 और 4 100 और ये हो गया 4100 और ये 4725, तो 625 आपका बच्चा, इसका स्क्वायर रूट कर लें 25 इज योर। अब यहां अगर आपको 25 का स्क्वायर नहीं पता है कि 25 25 625 होता है तो यहाँ फिर आपका टाइम खराब हो गया और 25, तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, आप कोई किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर की प्री क्रैक करना चाहते हैं तो कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, और 20 तक नहीं तो 11 तक जरूर याद कर लीजिए और 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक टेबल भी याद कर लीजिए, अदरवाइज टफ है इस एग्जाम को क्रैक करना। नेक्स्ट देखिए 1444 का स्क्वायर रूट है प्लस 8/7 और ये सब संख्याएं दी। अब 14, अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि जो भी दिया गया आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया गया, अब आपको पता है कि 35 का जो स्क्वायर है वो 1225 है, भाई 3 को उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा करें 3 × 12 और जब 5 यूनिट डिजिट है और 2 डिजिट का नंबर है तो 25 तो आगे आना ही आना, तो ये 1225 से बड़ा 35 से ये संख्या बड़ी है, यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यूनिट डिजिट 4 का मतलब या तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 2 आएगी या आएगी 8, तो यार 2 तो आ नहीं सकती, तो 38, तो 38 यहां ये डायरेक्ट आपको निकालने की आपने कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए, × 8 × 7 = 168 = क्वेश्चन मार्क, ये भी कैंसिल आउट हो रहा होगा, 7 × 14 और 7 × 28 + 38 = 192 + 38 + 38 = 230। अब यहां आके आप थोड़ा सा ये देख लें कि 192 में मैं 8 जोड़ दूंगा तो 200 आ जाएंगे और इसमें से 8 ही लिए मैंने तो 30 बच गए, स्प्लिट जरूर कर लें 230 सॉरी। नेक्स्ट देखिए 70% of 1680, अब ये संख्या है 70% of 1680, अब मैं एक सिफर को यहां लगा लेता हूं और इसको मान लेता हूं 700% of 1680। अब 700% किसी भी संख्या का क्या होगा, 7 × 7 = 168 भाई 700/100 करोगे दो सिफर कट जाएंगे 7 बचेगा, तो ये सीधा जैसे ही आपको दिखे इस सिफर को यहाँ शिफ्ट कीजिए ओरल और सीधा इसको मान लीजिए 7 × 168, राइट। अब 7 × 168 सॉरी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको डायरेक्ट राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये आ गया आपका 7 × 168, राइट प्लस ये आया माइनस का और प्लस में क्या है 55% of 2820, तो 2820 का 55, 2820 का 50% कितना होगा इसका आधा 50% हाफ होगा,
तो 28 का आधा 14, 20 का आधा 10, तो 1410 और 5% इसका 1/10, तो एक सिफर हटा दीजिए 141 और -886 और ये क्या है x परसेंट ऑफ 1750 या क्या हो गया ये 1750% ऑफ x एक ही बात, तो 1750 आपको पता है बटा 100 करूंगा 17.5 होना है, तो ये क्या आ गया पूरा x इंटू 17.5। ये आपका अब इसको जितना जल्दी आप सिंप्लीफाई कर सके, आपको ये दिख रहा है कि अब मैं इसको एक साथ आपसे गुणा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब 16 की टेबल आपको जरूर आनी चाहिए, 16 6 में 16 7 112, तो यहां मेरे पास क्या आ गया माइनस का 112, एक सिफर लग गई क्योंकि ये 160 था और 8 7 56 और इसमें जोड़ दीजिए प्लस 1410 प्लस 141 और -886। अब यहां देखिए माइनस का 11 है और माइनस का एक माइनस का 11 और माइनस का 8 माइनस का 19 है और यहां 14 1 15 तो माइनस का 400 बच गया। अब यहां देखो मैं 20 56 ये 20 है ये 10 से कटा, यहां 10 बचा माइनस का राइट, 41 है 41 यहां कटा तो यहां बचा माइनस का 15, तो 15 10 25 25 और 86 111, तो ये क्या आ गया माइनस का 511 माइनस का 511 और बटा 17.5 राइट। तो अब यहां जैसे ही आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि अगर ये 17 51 की 30 से थोड़ा कम है और माइनस का है, तो माइनस का आप देखेंगे पहली बात तो ये ऑप्शन तो आपके सब के सब वैसे ही क्रॉस हो गए। अब आपको थोड़ी सी रिस्क है और वो कहां है ठीक, आप इसको कर दीजिए इतने रिस्क वाले लीजिए क्योंकि नन ऑफ दीज और भाई आपको तीन ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन में आपके ये चल रहा है तो आप नन ऑफ दीज को अवॉइड करके, क्योंकि ऑलमोस्ट भाई 17 को मैं 3 से करूं 5100, 175 को अगर मैं 3 बार करता हूं नहीं सॉरी मैं 30 बार करता हूं तो कितना आ जाएगा 552 और 552 का मतलब 555 आया, ये 511 है 14 कम राइट, तो 29 इतनी रिस्क आप ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको ये पता चले कि 6 इंटू, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए 6 × 2 × 4 मतलब आपके क्या आ गया 6 × 2 × 4, यहां तो आपको कोई वो नहीं आई प्रॉब्लम, और इंटू जो है √6 √3 और √2 अलग अलग हैं, मतलब ये √6 × √3 × √2 या √6 × 3 × 2 इसमें कोई फर्क नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। तो 6 3 18 2 36 आपको पता है कि √36, तो ये भी 6 ही निकल के आ गया और यहां इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाइए तो 6 2 12 ये आपका कट गया, आपके पास बचा 24 राइट, ये आपके पास 24 है और इस तरफ 123.59 है इजिकल टू, तो आपको देख लिया कि आपने माइनस है और 100 के आसपास है, कोई भी ऑप्शन आसपास नहीं है, नन ऑफ दीज को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए 60% ऑफ 154, अब इस क्वेश्चन में फिर आप क्या करें 60% ऑफ 154 इस एक सिफर को यहां शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा 600% ऑफ 154 या 6 × 154 राइट, 37.5% 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3/8 होती है, वैसे 37.5 बटा 100 करोगे तो भी 3/8 ही अल्टीमेटली आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली तक आपको नहीं जाना चाहिए और ये x का क्यूब आ गया राइट। अब आप देखिए यहाँ 8 12 12 36 और 36 और 40 76, ये तो 76 है, यहाँ 6 150 + 4 बनाइए इसको तो 900 तो एक आ गया, 24 एक आ गया, 76 और 24 100 ये हो गया तो 1000 आ गया, 1000 x क्यूब है तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एंड 1000, तो आपको पता है क्यूब रूट कितना हो गया 10, तो 10 को आप ठीक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन से, फाइंड रॉन्ग नंबर इन फॉलोइंग, एक कोई जो नंबर है पर्टिकुलर वो रॉन्ग है उस पैटर्न में फिट नहीं हो रहा, अब उसको आइडेंटिफाई करना है, 21 है 27 है 38 है 58 है 33, इस सीरीज को देखते ही आपको ये तो लग जाएगा कि है तो डिफरेंस की
क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, बट जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ इंक्रीज है। तो 21 और 27 सिक्स का है, यहाँ अगर मैं देखूँ 11 का है, यहाँ मेरा 20 है और यहाँ मेरा 25 हो गया, और यहाँ 17 और 21 38 हो गया। आई थिंक अभी तक मैं सही हूँ। अब यहाँ तो कुछ निकल के ऐसा नहीं आया। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखूँ तो ये 5 का है, ये 9 का है, और ये भी 5 का है, और ये है 13 का। 5 का, 9 का, 5 का और 13 का, तो इस हिसाब से क्या हुआ फिर? 9, 5, 14, 5, 19, 3, 22, 32, तो ये भी हो नहीं रहा। तो इसको ही मानो फिर, 121 इज रॉन्ग टर्म भाई। अगर ये 9 हो जाता तो 5, 9, 5, 9 मेरा ये बन जाता। अगर ये 9 होगा 25 और 9 तो ये फिर 34 होगा, और ये 34 होगा तो 4 से इसको घटा लो, ये 117 होगा, 121 आपकी रॉन्ग टर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, 36 है, 74 है, 225 है, 915, 4525 और 27156। देखते ही आपको लग गया कि सीरीज तो मल्टीपल के, बट मल्टीपल में क्या है ये देखिए। अब 9 को 4500 करने के लिए मुझे करीब करीब 5 गुना करना पड़ेगा। यहाँ क्या पोजीशन है, तो यहाँ आप देखिए 6 गुना से पार पड़ेगी, 6 चौके 24 और 3 27 से ऊपर आ रहा है। तो ये 6 था, ये 5 था, तो ऑब्वियस है ये 4 होगा, ये 3 होगा और 2 होगा। अब आप पैटर्न देखिए, प्लस 2 से यहाँ काम चल रहा है। यहाँ मैं देखूँ तो 70 प्लस 4 कीजिए 210 और 12 222, ये 225 है, तो प्लस 3 से काम चल गया। इसका मतलब इंटू एन प्लस एन है, प्लस 4 अगर मैं करूँ तो यहाँ ये गलती आ गई। 225 को मैं 4 से करता हूँ तो 904, तो इसको 904 को आप यहाँ से निकल लीजिए एग्जाम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस 5 अगर मैं करूँ तो बिल्कुल यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है, ये 5 है, इसको 6 करूँ तो यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है, ये 6 यहाँ भी आ रहा है। वैसे भी आप देखें 900 को 5 से 4525 ही है। यहाँ भी देखेंगे तो 4000 को अगर मैं करूँगा तो 6 चौके 24 और 6 पंजो 300, 27000 तो मेरे पास 4.5 से आ गया। अब ये 150 25 के 150, 27150 और 6 और जोड़ दिए 156। इस तरह से स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करें, स्प्लिट करके ही डिवाइड करें, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी आप स्प्लिट जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, 50 है, 48 है, 99 है, 295 है, 11 है। आपको देखते ही लग गया कि है तो मल्टीपल की, और यहाँ मुझे लग रहा है करीब करीब आई थिंक 5 टाइम्स, और ये अगर मैं देखूँ तो 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो मेरे पास आ गया ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम। तो 50 इंटू 1 माइनस 2, एक बार मैं ये मान लूँ कि ये दोनों संख्याएं सही हैं, और यहाँ 48 दोनों 96 और माइनस 3, तो यहाँ माइनस 2 था, यहाँ माइनस 3 हुआ, और 99 को मैं 3 से करूँगा तो 300 से 3 कम हो जाएंगे 297, और ये है 95, तो यहाँ वापस क्या बनना है, माइनस 2 आ रहा है वापस। और 295 को अगर मैं 4 बार करूँ तो कितना, 300 अगर ये होता तो 300 के 12 1200 हो जाते, 1200 में से 20 कम 1180, और ये हैं 77, तो ये माइनस 3। अब 1177, अब ये माइनस 2 थे माइनस 3 आए, फिर माइनस 2 थे माइनस 3 आए, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वापस माइनस 2 आए, माइनस 2 तो ये नहीं आएंगे कि 7 5 35 में से 2 3, तो इस हिसाब से तो ये ठीक होगी भाई। 1100 को मैं 5 से करूँ तो 5500 मेरे पास आ गए, और 570 को 5 से करूँगा 350 और 35 और, तो ये कितना आ गया, 5500 और 3 5885, 585 आया। 85 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, ये तो 83 आता है, फिर 8583 आता है, 5883 की बजाय 5883 आना चाहिए था, तो इस हिसाब से तो ये माइनस 2 माइनस 3 वाला अगर मैं फंडा लगाता हूँ तो ये गलत आ रहा है। तो 48 2 96 महीने, और कोई पॉसिबिलिटी इसकी बनती है क्या? अगर यहाँ मैं देखूँ 29 × 3 297, और ये इसको मैं माइनस 4 कर दूँ तो ये हो जाएगा 293। एक सेकंड के लिए, 293 को जब मैं 4 से गुणा करूँगा तो ये 28 कम रह जाएगा, ठीक है, 2 3 4 28 कम रह जाएगा, और नहीं यही ठीक आई थिंक। नेक्स्ट देखिए, 160 है, 150, 169, 142, 170, 160 ये कम हुआ,
फिर ये ज्यादा हो गया, फिर कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो वे सबसे पहले तो आप अल्टरनेटिव सीरीज की पॉसिबिलिटी इसमें देखें, 60 9 69 69 9 78 प्लस 9 आ रहा है, और यहां मैं देखूं 142 और 42 का 8 का डिफरेंस है, 42 और 33 ये कितना हो गया, 33 और 9 42, ये माइनस 9 माइनस 9, तो अगर ये -9 में मानूं तो ये 150 आपका गलत हो गया। यहाँ क्या आना चाहिए, 9 के लिए 151, तो 150 इज द रॉन्ग। इसी क्वेश्चन को अगर आप डिफरेंस से भी करेंगे डायरेक्ट, तो डिफरेंस और डिफरेंस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 है, 9 है, 36 है, 100 है, 225 है, इसको देखते ही क्या लगेगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, बट ये फिर 12 का आया, नहीं 6 का आया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, तो यहाँ डिफरेंस था 2 का, ये हुआ 3 का, ये हुआ 4 का और ये हुआ 5 का, तो अगला क्या होना चाहिए, 6 का डिफरेंस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर तो 241 होता है, ये रॉन्ग होगा, पहला तो इसके अंदर ये आ गया, राइट। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं भी कर पाए तो भी आप देखें, अगर इसको डिफरेंस है, ये फर्स्ट मेथड होगा इसका, सेकंड अगर मैं एज ए डिफरेंस करूं तो 1 और 9 में 8 का डिफरेंस है, 8 9 और 36 में 27 का है, 36 और 100 में 64 का है, और 100 और 225 में 125 का है, और यहाँ 225 से तो ये 200 तो एक हो गया, और 17 और वो क्या 25 और 15 40, 217 हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब नहीं है। अगर ये 6 का क्यूब जब होता, जब 216 होता, और 216 होता तो ये 441 होता, एक ही आंसर निकल रहेगा दोनों में, और दोनों ही टाइप जो आपके क्लिक कर जाए पहले, जो भी आपके पहले क्लिक कर जाए उसी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओबियस है ऊपर वाला थोड़ा शॉर्ट रहेगा, इसमें एक बार आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मोर और लेस एक जैसे ही। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई ये मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी, ए मैन कैन बाई 375 ग्राम मोर राइस विद ₹42 एज द प्राइस ऑफ द राइस इज रिड्यूस्ड बाई 20%, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, राइट। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको काफी कराए हैं। क्या दिया है इसमें, ए मैन कैन बाई 375, उसकी जो भी कोई ओरिजिनल रेट थी उससे गिरावट कितनी होगी 20%, और 20% की गिरावट की वजह से 375 ग्राम ज्यादा चावल उसको मिला। तो एक तरह से नए केस में मैं देखूं, न्यू जो सीन है या न्यू जो रेट है जो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 20% की वैल्यू कितनी है 375, तो 100% की वैल्यू कितनी, वो चावल कितना खरीद रहा है 375 × 5, इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है, और कितने में खरीद रहा है 42 रुपए में, तो 42 बटा 375 × 5 इसको और इनटू ऊपर 1000 कर लीजिए, जो किलोग्राम में 375 बटा 1000 किलोग्राम की रेट है। अब आपसे पूछा क्या है, ओरिजिनल राइस पर केजी, पर केजी राइस की ओरिजिनल, तो ये तो आई आपकी नई, ये जो रेट आई ये रेट तो आपने निकाल ली, लेकिन न्यू रेट है। अब ये 20% घटी हुई है, मतलब ये जो अगर ओरिजिनल को मैं मानूं, ओरिजिनल अगर 100% रेट थी तो ये है 80%, तो आपके पास ये 80% की वैल्यू है, तो इसको 100% के लिए मैं क्या करूं, ये अगर 80 की है तो 100/80 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, और जितना जल्दी मैं सोल्व कर लूं वही मेरी जीत है। तो यहां अगर मैं देखूं 20 चौके 80 20 पंजो 100, और क्या 5 से आपका, इस 5 से ये 5 कट गया, 25 से मैं काटूं तो 12 और 3 15, और 25 का यहां आ गया मेरे पास 40, 5 4 से मैं काटूं तो ये 10 हो गया, 5 2 10 5 3 15, और क्या आ गया, और 42 14 42 14 2 28, 28 रुपये पर केजी जो है वो ओरिजिनल प्राइस आपके आ गई। अगर आपने सीधी निकाली 28 से, ये 100/80 करना भूल गए तो ये क्या आ जाएगा, 28 × 100/80 ये निकल जाएगी फिर, और ये निकलेगी तो 20 5 100 20 4 40 7 5 35, आप निकाल के आएंगे 35 पर केजी। अगर जो रेट आपने, तो 35 भी इसके अंदर है, अगर 100/80 से आप मल्टीप्लाई करना भूल गए तो
ये 35 रुपये पर केजी भी आ जाएगी। और अगर आप, और तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि इस तरह के केसेज में वो जितना भी कहे कि भाई 20% रिड्यूस हुई, 25% रिड्यूस हुई, जितनी भी रिड्यूस हुई, और उससे इतना एक्स्ट्रा चावल वो ले रहा है, तो एक तरह से उतने परसेंट की वो वैल्यू दे दी नए सीन में, तो आपके पास 20% की वैल्यू आ गई। 100% आपको पता चल गया कि इतने ग्राम उसने चावल खरीदा और कितने में खरीदा, 42 रुपये में वो आपको दिया हो, तो ये नई रेट आ गई आपकी। पुरानी रेट बढ़ी हुई है या घटी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए, और डायरेक्ट नई रेट पूछी है तो आपका यहीं से ये आंसर निकल जाएगा, राइट। नई रेट, ये नई रेट थी और पुरानी रेट बढ़ी हुई आएगी, ठीक है, बिल्कुल। द कमीशन पेड टू द ब्रोकर इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड। इस तरह के क्वेश्चन अगर जब कभी भी आए, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ें वो क्या कहना चाह रहा है आप उसको लिख लें। द कमीशन पेड टू द ब्रोकर इज इक्वल टू द प्रॉफिट लेफ्ट, मान लो कमीशन जो भी है कोई, कमीशन मान लो एक्स हो गया और प्रॉफिट जो है वो हो गया पी। अब क्या दिया है, कमीशन पेड टू द ब्रोकर, कमीशन कितना पे किया इज इक्वल टू 20% 1/5 किसका, प्रॉफिट लेफ्ट हिज आफ्टर हिज कमीशन पेड, प्रॉफिट कोई भी था 20% ऑफ द पी माइनस एक्स, प्रॉफिट पी था और उसमें से एक्स कमीशन काट लिया, उसका 20% जो है वही कमीशन पेड है, जो इसने कहा वो आपने लिख लिया, राइट। अब क्या कहा, इफ हिज कमीशन इज नन एज 12,000 फाइंड द प्रॉफिट, अब आपको एक्स की वैल्यू दे दी 12,000, तो ये आपकी 12,000 आ गई बटा 1/5 पी और माइनस 12,000/5 यही हुआ, तो ये तो आपका 2400 तो ये तो 2400 आ गया आपका 2400 और 14,400 इंटू 5 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया 14,570 और 4,520 72,000। देख लो इसमें कहीं है क्या, ये इस तरह के क्वेश्चंस भले ही आपके नहीं किए हुए हैं और वो किसी भी तरीके से उसको तोड़, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए तो वो जो क्या कह रहा है वो आप इक्वेशन की फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहा है, और वो जैसे ही आप बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ए कार इज रनिंग एट 8/13 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, कवर्स ए डिस्टेंस इन 26 आवर्स, टाइम दे दिया 26 घंटे में कवर कर रही है, स्पीड है 8/13, राइट। अब हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द कार वुड रन इट्स एक्चुअल स्पीड, कितना टाइम वो बचा लेते अगर वो एक्चुअल स्पीड से जाते। अब कार जो रनिंग कितने में कर रही है, 8/13, ये आपकी स्पीड आ गई, मान लो 8/13, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 13 थी तो वो 8 रहेगी कुल मिला के, तो यही अगर ओरिजिनल स्पीड 13 थी तो 8 रहेगी, तो स्पीड और टाइम ये दोनों, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गए, तो अगर मैं टाइम का देखूं तो 13/8 का रेशियो हो गया, 13 के रेशियो से 26 घंटे लगे, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 घंटे, और आपको इसका डिफरेंस ही तो पूछा है कितना घंटे वो ज्यादा लगते या वो सेव कर लेता, तो 13 में से 8 गए 5, 5 × 2 = 10 घंटे सेव कर लेता। अगर आप इस क्वेश्चन को सीधा रेशियो से भी करते हैं तो ये आराम से हो गया और बहुत जल्दी हो गया। दूसरा, अगर आप इसको जो इसका कन्वेंशन मेथड है उससे भी करते हैं, जैसे इसमें डिस्टेंस दोनों में इक्वल है और डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो इसमें जैसे एक्चुअल स्पीड मैं उसकी एस मान लेता हूं और टाइम लगता है उसको टी, राइट। डिस्टेंस वही ट्रेवल की है उसने, लेकिन अब स्पीड कितनी है, 8/13 एस है और टाइम कितना है 26 आपको दिया हुआ है, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, टी चाहिए था आपको 13 × 26, तो 16 घंटे उसको एक्चुअल में लगने थे 16 घंटे और उसको लग गए 26, तो टाइम सेव्ड कितना आ गया, 26 - 16, ये भी 10 आवर्स आ गए। ये भी लंबा नहीं है, आप ले कॉन्सेप्ट पे रह के करें या इस तरीके से भी करें, भी आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो
सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल कॉन्स्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होती है। तो जो स्पीड इसने दिए 8/13 है, तो इसका उल्टा टाइम का रेशियो हुआ, 13/8 टाइम का रेशियो बन गया। 13 पार्ट की वैल्यू आपको 26 घंटे दे दी, 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ए मोटरबोट हैविंग ए लीक विच एडमिट 30 टन ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स, मतलब एक मोटरबोट है हैविंग ए लीक, उसमें कोई लीकेज हो गया और कितना है 30 टन है, 10 मिनट में 30 टन एक्युमुलेट हो रहा है, इस 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम शोर, और उसको कितनी दूर है किनारे से, 200 किलोमीटर वो दूर है, 400 मेट्रिक टन वाटर इज सफिशिएंट टू सिंक द बोट एंड द पंप कैन थ्रो 100 मेट्रिक टन पर आवर वाटर फ्रॉम द बोट, मतलब उसमें एक पंप भी इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन उसकी कैपेसिटी है 100 टन पर आवर, वो फेंक देता है, और जैसे ही 400 टन वाटर उसमें आ जाएगा बोट में, तो बोट डूबना शुरू हो जाएगी। अब आपसे पूछा एवरेज रेट ऑफ सेलिंग दैट द बोट जस्ट रीच द शोर एज इट बिगिंस टू सिंक, जैसे ही ये डूबने लगी तब तक वो किनारे पहुंच जाए, तो उसकी स्पीड क्या होगी, राइट? डिस्टेंस आपको 200 किलोमीटर दी हुई है, स्पीड आपसे पूछी है, तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, टाइम की जरूरत है, राइट? अब आप देखिए 400 टन कब होगा उसमें, ये देखना आपको, 30 टन 10 मिनट में होता है, तो एक घंटे में हो गया 30 × 6, 180 टन एक घंटे में इन वन आवर। अगर मैं देखूं एक घंटे में 180 टन हुआ और उसमें से 100 टन उस पंप ने बाहर निकाल दिया, तो एक घंटे में इफेक्टिव कितना रहा, 80 मेट्रिक टन है वो एक्युमुलेट हो गए। तो और आपको कितना चाहिए, 400 मेट्रिक टन, तो 400/80, 5 घंटे, 5 घंटे में उसमें 400 टन आ जाएगी। तो आपको स्पीड कितनी चाहिए कि वो 5 घंटे में 200 किलोमीटर चली जाए, सीधी बात है। तो टाइम हो गया 5 घंटे, स्पीड आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम 200/5, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाएगी तो वो जस्ट जैसे ही किनारे पहुंचेगी उसी वक्त वो डूबना शुरू होगी। नेक्स्ट देखिए, अमित इज 24 ईयर एल्डर देन हिज डॉटर, मतलब अमित को मैं ए कहूं और डॉटर को अगर डी कहूं, तो ए माइनस डी आपको 24 ईयर्स दे दिया, राइट? इन टू ईयर्स, इसका मतलब दो साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। तो एक साल, दो साल बाद, दो साल बाद क्या पोजीशन आ गई, अमित और उसकी डॉटर का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा, यही कहा है। अब आपको पता है कि उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 24 साल है, वो आज भी 24 है, वो दो साल बाद भी 24 है, मतलब दो पर्टिकुलर पर्सन के बीच की एज का गैप है वो ता जिंदगी एक ही रहता है। तो इन दोनों 2:1 का जो रेशियो है, इसका जो डिफरेंस है 1 पार्ट है, और 1 पार्ट की वैल्यू है आपकी 24 ईयर्स, राइट? तो प्रेजेंट एज पूछी है, तो दो साल बाद की एज अगर मैं देखूं तो एक पार्टी है उसकी 24 साल है, तो प्रेजेंट क्या आ जाएगी, डॉटर की प्रेजेंट एज 24 में से 2 घटा दीजिए, 22 साल, 22 ईयर्स इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ही बने रहिए, और बहुत सिंपल होते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा, बस जस्ट आपको ये देखना है कि भाई 2 साल, हाँ आप इक्वेशन भी बना सकते हैं बट वो लंबा होगा, आपको देखना है कि सबसे जल्दी कैसे, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होगा बट कितना जल्दी विदाउट एनी सिलिप। हाँ, जैसे आपने यहाँ 24 निकाला, 24 भी आपके ऑप्शन में था, आपने 24 टिक कर दिया, ये सिली मिस्टेक है, आपने ये पढ़ना ही भूल गए कि प्रेजेंट टेंस पूछी है, मैंने तो निकाली है 24 साल, ये तो 2 साल बाद की, इन चीजों से बचना है सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 30, एक कोई काम है जिसको ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में कर रहे हैं, 36 डेज में। बी एंड सी कैन कंप्लीट, बी और सी कितने टाइम में कर रहे हैं, 14 डेज में, राइट? इफ ए वर्क फॉर, तो अगर मैं यहां से निकालू इनका, तो 360 यूनिट में ले सकता हूं, तो ये तो 10 यूनिट वर्क कर रहे हैं पर डे, और ये कर रहे हैं 9 यूनिट, ये मेरा यहां तक का आ गया। इफ ए वर्क फॉर 15 डेज, ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन, बी ने काम कितना किया, 20 दिन, एंड सी ने किया 38 दिन टू कंप्लीट द वर्क, इतने में ये काम कंप्लीट हो गया, ए बी सी ने इतना काम किया। अब इसमें a प्लस बी प्लस बी सी, अगर इसमें a प्लस सी का और दे देते तो सीधा आपका निकल जाता है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इसने ट्विस्ट किया, a b c का आपको वर्क दे दिया, राइट?
और आपसे पूछ लिया कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए तो आपको ए की इफिशियंसी चाहिए, तो ए की इफिशियंसी, तो इनमें से किसी एक की इफिशियंसी जैसे ही निकलेगी आपका काम हो जाएगा। तो आप यहां से देखिए, अगर मैं जैसे यहां से देखूं कि ए प्लस बी एक दिन में 10 यूनिट करते हैं, तो अगर ए प्लस बी को मैं 15 डेज लूं, ये जो 20 दिन था इसमें से 15 दिन मैं इसके साथ डाल देता हूं, ए प्लस बी का 15 दिन का काम कितना हो गया, 15 × 10 150 यूनिट, राइट। अब मेरे पास बचा यहां 5, तो मैं बी और सी का ले लेता हूं 5 यूनिट। भाई अकेला ए कितना कर रहा है बी करता है मेरे को उसका पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं वो मुझे पता है एक दिन में। तो बी प्लस सी, यहां जो 5 दिन आपके पास बच गए थे वो मैंने इसके साथ जोड़ दी, तो बी प्लस सी 5 दिन में कितना कर देंगे, 5 × 9 45 यूनिट। अब बचा कितना, 195 यूनिट तो हो गया काम। बैलेंस वर्क बचा है, वो बैलेंस वर्क कितना बचा आपका, 360 - 195, तो कितना बच गया, 165 यूनिट, 165 यूनिट वर्क बैलेंस बचा। और सी ने वो कितने दिन में कर दिया, भाई 5 दिन तो आपने इसके साथ उसका ले लिया, तो बैलेंस टाइम कितना था सी का, सी का टाइम था 33 डे, सी ने 33 दिन में 165 यूनिट की। तो एक दिन में पर डे कितना, पर डे अगर मैं निकालूं उसका तो पर डे कितना आ गया, 165/33, तो मेरे पास सी की इफिशियंसी आ गई 5 यूनिट पर डे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा फिर, अगर आपके पास से सी की आ गई 5 यूनिट, तो यहां से सी की बी प्लस सी दोनों नो कर रहे हैं और सी कर रहा है 5, तो बी कर रहा है 4, जब बी 4 कर रहा है तो बी कर रहा है 4, दोनों कर रहे हैं 10, तो ए कर रहा है 6। टोटल वर्क है 360/6, 6×36 60 डेज में वो कंप्लीट कर लेगा ए। ठीक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आपके लिए मैं लेके आया कि थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, क्वेश्चन का लेवल प्री है बट सर्टेन लॉजिक के साथ। तो एक रिक्वेस्ट फिर मैं आपसे करूंगा, आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे अभी देख पा रहे हैं बॉटम में सबमिशन का बटन है, प्लीज इसको प्रेस कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कोऑपरेट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस।